तो इस देश की जो ये 90% पॉपुलेशन है जिसके दम पे हम लोग चलते हैं और जी रहे हैं, आप उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जब देखा कि बेचने से भी काम नहीं चल रहा है तो आप नया तरीका निकाल लेते हैं हर बार। अब की बार आपने एक तरीका निकाल लिया कि आप इस तरह का एक एक्ट ले आए जो कि CAA करके, जो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल है, और जिसने भी कह दिया कि इलीगल है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप कह देते हैं वो पाकिस्तानी है, वो देशद्रोही है और वो तो टेररिस्ट है। यहां पर खड़े होकर हम लोगों ने भी कहा, जब आप एक्ट पारित करने जा रहे थे हमने उसका अपोज किया और हमने कहा ये प्रीएम्बल के अगेंस्ट में है, ये कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 के अगेंस्ट में है, ये टोटली इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अगर यही बात बाहर कोई प्रोटेस्ट में कह रहा है तो आप कहते हैं कि इसको लाठी मारो, इसको गोली मारो, इसको गाली दो, क्या निर्णय हो किसी भी नहीं मालूम। वहां पर अगर निर्णय हुआ कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो क्या कहेंगे आप? आप कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय भी जो है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडिया का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो गया? आपने अभी फिगर दी है, आप ही के तरफ से फिगर दी गई कि 1 करोड़ तो खाली बांग्लादेश से आ रहे हैं और लगभग इतने और आ रहे हैं, तो इन 2 करोड़ की क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं आप उनके बारे में ये भी बताइए। और यहाँ के जो 90 करोड़ लोग भूख से मर रहे हैं उनकी क्या व्यवस्था कर रहे हैं उनके बारे में बताइए। आपने सारे प्राइवेटाइजेशन करके, जॉब्स को खत्म करके, जो एग्जिस्टिंग जॉब्स थी गवर्नमेंट की वो भी न दोबारा भर करके, उसमें बैकलॉग छोड़ करके उसके बाद उसको खत्म कर देने का काम करके, आपने रिजर्वेशन जो SC ST OBC जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड था सोशल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, आपने उसको खत्म करने का काम किया और उसको डिस्ट्रॉय करने का काम किया। आज जो क्राइसिस जो चल रही है इस देश में, इकोनॉमिक क्राइसिस, उसकी वजह से बहुत से नए मुद्दे उठाए जा रहे हैं और उस क्राइसिस को जब संभल नहीं रही है, जैसे कि अब आपने देखा कि सरकार ने कहा कि अब हमारे पास पैसा नहीं है तो पहले तो शुरुआत की अपना सामान बेचने की, अपनी पूंजी लोग बचा के रखते हैं आगे के लिए कि कभी काम आ जाएगी। यहाँ पर एक एक करके, चाहे वो पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन जितने भी हों, उनको नीलामी पे डाल दो, उनको बेच दो और डुग्गी बजवा के जो सबसे बड़ा, जो सब ज़्यादा दाम दे उसको बेच दो। पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन इस देश की रीढ़ की हड्डी है और किसने बनाया? सरकार ने तो नहीं बना, उनकी अपनी जायदाद नहीं है ये, जायदाद तो यहाँ की टैक्स पेयर्स की है जिन्होंने अपना टैक्स जमा कर करके इसको सबको खड़ा किया था, इस देश की इस संपत्ति को। आज आप उसको बेच रहे हैं, जब उससे काम नहीं चल रहा तो आप कह रहे हैं रेलवेज को बेच दो, आप एयर इंडिया को बेच दो, आप अब IDBI बैंक को बेच दो, अब तो आप LIC पे आ गए। लाइफ इंश्योरेंस जिस इस देश में सबसे ज्यादा अगर लोगों ने पैसा कहीं पर अपना लगाया है तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन पे लगाया है, और क्यों लगाया है? इस विश्वास से लगाया है कि हमारी सिक्योरिटी रहेगी आगे चल करके। कौन सी सिक्योरिटी अब आप देंगे जब आप इसको बेच रहे हैं, किसी और के हाथ में प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, तो सिक्योरिटी कहाँ रह गई इसकी? और लोगों ने जो पूरे जीवन भर के लिए अपना पैसा उसमें लगा दिया वो डूबने के आसार आ गए। आज लोग परेशान हैं आप कि हमारा इसका इस पैसे का, इस लाइफ इंश्योरेंस में जो लगा है इसका क्या होगा। बिजनेस जो है आज, चाहे वो छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी, कुछ ऊपर वाले व्यापारियों की हम बात नहीं कर रहे हैं, 3 और 4 जो कि सब चीज़ अभी जो आप बेच रहे हैं वो भी उन्हीं के पास चली जाएगी, और उनकी बात हमने कि हम उनकी कर रहे हैं जो अपना बिजनेस, छोटा बिजनेस चला रहे थे, बीच का बिजनेस चला रहे थे, उनमें आप कहते हैं लाइसेंस राज खत्म कर दिया। आपने लाइसेंस राज खत्म किया तो रेगुलेटर राज लगा दिया। एक बिजनेस कोई खोलने चलता है तो उसमें आप कहते हैं लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन आपने उसके पीछे कम से कम नहीं तो 100 रेगुलेशंस बना दिए हैं, रेगुलेटर्स अलग अलग बना दिए हैं जो तुरंत उनके ऊपर पाउंस करते हैं जैसे ही उन्होंने बिजनेस खोलने की कोशिश की। और इन रेगुलेटर्स का दर्द जब किसी एक उद्योगपति ने, बड़े उद्योगपति ने इस देश के बात कह दी खुले मंच में, तो एकदम से जो आपकी एक सेना है, ट्विटर सेना कहलाती है आपकी सोशल मीडिया में, आपने उस सेना को उनके पीछे दौड़ा दिया। लेकिन वो ऐसे उद्योगपतियों में थे कि उस सेना का आपके जो वार था उसको झेलने के लिए छोटा बिजनेसमैन नहीं कर सकता, छोटे व्यापारी नहीं कर पाते हैं, उनको उसमें दबना पड़ता है। आज एजुकेशन में महामहिम राष्ट्रपति जी का भाषण है, उनको औपचारिक उन्होंने जो आपने बना के दिया उनको पढ़ना था, हम लोग भी औपचारिकता के तौर पर उनका धन्यवाद भी देंगे। लेकिन एजुकेशन जो आज पूरे देश में, जहाँ गरीबों को आप कहते हैं कि हम अच्छी पढ़ाई कराएंगे, आपने एजुकेशन में पढ़ाई क्या कराएंगे? आपने 10,000 करोड़ रुपए तो कम कर दिए इस बार, आपने 71,000 करोड़ पिछली बार खर्च किए थे, 61 तो आपने अनाउंस कर दिया हम 61,000 करोड़ खर्च करेंगे। तो आप एजुकेशन को आपने भी उसको भी किनारे कर दिया। फार्मर्स, किसान जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, आपने कहा कि उनके बारे में इसमें अगर आप पढ़ने की कोशिश करिए तो खाली इधर चर्चा है, थोड़ी सी उधर चर्चा है, उनको हम ये देने की कोशिश कर रहे हैं। आपने तो फर्टिलाइज़र में जो उनको सब्सिडी मिलती थी वो भी कम कर दी और कई 1,000 करोड़ कम कर दी। फर्टिलाइज़र जब आपने कम कर दिया तो उनकी तो रीढ़ आपने ऐसे ही तोड़ दी, तो उनको आप कहते हैं कि हम उनकी आय 2 गुनी करेंगे 5 साल में। हर चीज़ आप 5 साल की बात करते हैं, आपने कहा 5 साल में उनकी आय 2 गुनी करेंगे।
आप इस मामले में शायद गलत नहीं कहते हैं, क्योंकि दोगुनी तो उनकी आमदनी आप कर ही देंगे। उनकी आज की आमदनी क्या है? आज जीरो आमदनी है, तो जीरो को अगर दोगुना करना है तो जीरो ही रहेगा। तो पांच साल बाद आप कहेंगे, देखिए मैंने पूरा कर दिया, मैंने तो ये वादा किया था, मैंने पूरा कर दिया, मैंने कौन सा झूठ बोला। लेकिन इन किसानों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आप उनके इस तरीके से उनके उनकी चीज़ों को, समस्याओं को सही तरीके से नहीं देखेंगे, तो इस देश की जो ये 90% पॉपुलेशन है जिसके दम पे हम लोग चलते हैं और जी रहे हैं, आप उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपने सारी इन सब चीज़ों को, चाहे वो जितनी भी समस्याएं इस देश में हैं इकोनॉमिक से संबंधित, अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, उसको आपने जब देखा कि बेचने से भी काम नहीं चल रहा है तो आप नया तरीका निकाल लेते हैं हर बार। अब की बार आपने एक तरीका निकाल लिया कि आप इस तरह का एक एक्ट ले आए जो कि CAA करके, जो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल है, और जिसने भी कह दिया कि इलीगल है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप कह देते हैं वो पाकिस्तानी है, वो देशद्रोही है और वो तो टेररिस्ट है। यहाँ पर खड़े होकर हम लोगों ने भी कहा, जब आप एक्ट पारित करने जा रहे थे हमने उसका अपोज किया और हमने कहा ये प्रीएम्बल के अगेंस्ट में है, ये कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 के अगेंस्ट में है, ये टोटली इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अगर यही बात बाहर कोई प्रोटेस्ट में कह रहा है तो आप कहते हैं कि इसको लाठी मारो, इसको गोली मारो, इसको गाली दो। तो इस क्या ये संविधान में राइट नहीं दिया गया है कि अगर कोई इलीगल एक्शन आप कर रहे हैं, कोई इलीगल एक्ट आप ला रहे हैं, तो उसको कोई व्यक्ति प्रोटेस्ट में भी नहीं कर सकता? ये तो अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी बहुत रिसेंटली एक जजमेंट इसी साल दिया, अभी दिया कुछ महीने पहले, कहा कि ये फंडामेंटल राइट है कि अगर हम उसको प्रोटेस्ट करते हैं तो हमारा ये राइट है। इसके अलावा इसको तो अब सर्वोच्च न्यायालय में भी पहुंच गया ये मामला, वहां पर इसकी वैधानिकता चैलेंज की गई है और कहा गया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और सर्वोच्च न्यायालय ने उसको सुनने के लिए तय भी कर लिया, वहां पर दलीलें दी जाएंगी कि क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अगर मान लीजिए कल क्या निर्णय हो किसी को नहीं मालूम, वहां पर अगर निर्णय हुआ कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो क्या कहेंगे आप? आप कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय भी जो है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडिया का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो गया है क्योंकि उसने निर्णय दे दिया है। तो इस तरह की जो बात है, इस तरह का जो एक तरीका आपने अपनाया हुआ है कि आप ये भी कहा गया कि इसके जो पड़ोसी देश में लोग हैं, और पड़ोसी देश में तीन देशों की बात की आपने जो वहां पर मेजॉरिटी माइनॉरिटी में है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनके लिए आपने एक्ट बनाया है, उसका किसने विरोध किया? हमने खुद खड़े होकर स्वागत किया था कि आप उनका कर रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं आप उसमें से, आप रिलीजन के नाम पे तो मत करिए, आप उसमें एक्सक्लूजन मत करिए, आप उनको ला रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ में आपने अभी फिगर दी है, आप ही के तरफ से फिगर दी गई कि 1 करोड़ तो खाली बांग्लादेश से आ रहे हैं और लगभग इतने ही और आ रहे हैं, तो इन 2 करोड़ की क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं आप उनके बारे में ये भी बताइए, और यहाँ के जो 90 करोड़ लोग भूख से मर रहे हैं उनकी क्या व्यवस्था कर रहे हैं उनके बारे में बताइए, और जो कानून बना रहे हैं आप, कानून लेके आए, हम लोगों का खाली ये कहना है कि आप इसमें जो एक्सक्लूजन कर रहे हैं, आप एक्सक्लूड करके उनको हटा रहे हैं, ये इलीगल है और ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बाबा साहब का नाम आपने इसमें ले लिया, आपने कहा कि बाबा साहब का आपने नाम लिया और डॉक्टर बाबा साहब की बात कही, आपने उनकी बातें तो ध्यान में रखी नहीं, आपने सारे प्राइवेटाइजेशन करके, जॉब्स को ख़त्म करके, जो एग्जिस्टिंग जॉब्स थी गवर्नमेंट की वो भी न दोबारा भर करके, उसमें बैकलॉग छोड़ करके, उसके बाद उसको ख़त्म कर देने का काम करके, आपने रिजर्वेशन जो SC ST OBC जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड था सोशल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, आपने उसको ख़त्म करने का काम किया और उसको डिस्ट्रॉय करने का काम किया, खाली नाम आपने ज़रूर उसमें ले लिया डॉक्टर बाबा साहब का, आपने जो उन्होंने जिस तरीके जो कार्य उन्होंने किया था, जिस लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन डाले थे उसको आपने जस्ट वो बाबा योगी का जिक्र है, जहाँ तक चूँकि आपसे संभल चीज़ें रही नहीं, कानून व्यवस्था आपने देखा कि आप उत्तर प्रदेश में आज के रोज जो प्रोटेस्टर्स थे उनको आपने महीनों भर से आपने जेल में डाल रखा, आपने ये भी वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ कि ये थे भी कि नहीं थे उसमें, लेकिन उठा करके आपने जेल में बंद कर दिया, पहले आपने गोलियां चलाई उसका जेल में बंद कर दिया, इसी तरीके से आपने दिल्ली में, इसी तरीके से और स्टेट्स में, यहां तक कि एक छोटी बच्ची उसने व्हाट्सएप में लिखा कुछ, व्हाट्सएप में कर दिया, स्कूल में एक प्ले हो रहा था,
प्लेग में अगर उसमें कोई रोल में उसने कुछ बोल दिया तो आपने पूरे पूरे स्कूल के ऊपर हमला कर दिया, उसके ऊपर अपने आपने पुलिस भेज दी, इससे ज्यादा शेमफुल क्या चीज है? और वो उसको उस बच्ची को जेल में बंद कर दिया आपने, उसको माँ से हटा करके जेल में पहुंचा दिया। मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, मैं मानता हूँ कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी की नॉलेज में ये नहीं होगा, वरना माननीय प्रधानमंत्री जी एक छोटी बच्ची को जेल में अनुमति नहीं देंगे कि आप जेल में रखे रहिए, क्योंकि वो एक थिएटर प्ले कर रही थी। मानवर, इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए ये ज़रूर कहना चाहूँगा एंड में कि इन्होंने इस राज्य में इस स्थिति में, चाहे दिल्ली हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, पुलिस वालों को भी बदनाम कराने का काम कर दिया। वही पुलिस वाले हैं जो कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे। हमारी पार्टी की मुख्यमंत्री जब थी बहन मायावती जी, लॉ एंड ऑर्डर सबको मालूम है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश चलता था, इन्हीं पुलिस के माध्यम से चलता था, इन्हीं अधिकारियों के माध्यम से था। लेकिन आज पूरा का पूरा अपसेट हो गया टॉपसी टर्वी, क्योंकि ऊपर से आदेश और निर्देश दूसरी तरह के आ रहे हैं। पहले था कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, अब आप कहते हैं अगर ये है तो मार दो गोली, और वो हैं तो उनको छोड़ दो खुलेआम कि जो करना चाहें करें। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।